उन लोगों को देखते हैं जो दिख रहे हैं. जो एक्टर्स हैं, मतलब जो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, वो दिख नहीं पाते हैं कहीं पे, या फिर जो टीवी, हम लोग टीवी कर रहे हैं तो हम लोग आ रहे हैं टीवी पे, बट फिल्म फेयर पे अभी हम गए नहीं. तो ऐसे अवार्ड शोज भी होने चाहिए कहीं ना कहीं पे, जहाँ पे एक्टर्स को एक पहचान मिले, जहाँ पे एक्टर्स जा रहे हैं. जैसे कि आज रेडियो अड्डा ने हम लोगों को अवार्ड से नवाजा है, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच रेडियो. आप बोलिए सतपाल जी. रचना जी, आज आपको एक नहीं रोडो अवार्ड से सम्मानित किया गया, मीडिया को दिखा भी सकते हैं. और एक तो आप ही बताइए कौन कौन सा अवार्ड है. एक तो मुझे आई थिंक मेरी जर्नी के लिए मिला है टेलीविजन में, और एक मुझे मैडम सर जो मैंने शिवानी ताई प्ले किया उसके लिए क्रिटिक चॉइस अवार्ड मिला है मुझे. तो तहे दिल से थैंक यू फॉर बोथ दीज अवार्ड्स. मैं तो एक्चुअली एक्सपेक्टेशन था एक अवार्ड का, बट आई गॉट टू, सो मोर देन मेरियर. एंड टॉकिंग अबाउट अवार्ड शोज, आई थिंक सब अवार्ड शोज का अपना अपना एक फ्लेवर होता है, फिर वो फिल्म फेयर हो, रेडियो अड्डा हो, कोई भी हो. एक्टर की परख सभी को करनी चाहिए. एंड बिकॉज हम लोगों को नोटिस किया है इस शो में, हम दोनों को, हम दो महीने के लिए आए थे, तो आई थिंक वी आर मोर देन हैप्पी एंड इट्स आर गुड फॉर्च्यून दैट हम लोगों को दो महीने में ही अवार्ड मिल गया हमारे अच्छे काम के लिए. सो थैंक यू वेरी वेरी थैंक यू. कहीं नोटिफिकेशन मैडम सर तक जाएगी फिर से रचना और प्राची की नई एंट्री हो सकती है ये धनंजय जी. ऑल डिपेंड ऑन धनंजय जी. धनंजय आप तो मैडम सर एक ऐसा शो है कि उस शो में कब क्या होता है ये मुझे 2 घंटे पहले पता चलता है. तो ऐसा पॉसिबल है कि मे बी 2 महीने बाद ही सही वापस से शिवानी ताई वापस आ सकती है ना, या बिन्नी वापस आ सकती है, या चिंगारी किंग के कोई भी वापस आ सकते हैं. तो ये कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है मैडम सर के लिए. तो काशी आपसे जानना चाहेंगे, जैसे डायरेक्टर कोई भी चीज़ जल्दी डिस्क्लोज नहीं करते, तो मतलब यहाँ भी कास्टिंग डायरेक्टर भी कुछ डिस्क्लोज करते थे तो डिस्क्लोज करने में आए, तो फिर एक्टर का भी कोई हक नहीं बनता है डिस्क्लोज करने का कि क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है. बट अभी आने देने और पता चल जाएगा आप सबको. क्या मीडिया वाले हैं सोशल मीडिया में ज़्यादा खुश रहते हैं. हाँ, आप लोग की जो डिमांड है माइंड ब्लोइंग, मतलब फॉलोअर्स में इतने सारे कॉमेंट्स आते हैं. मैडम को शायद मेरे अलावा भी काफ़ी लोगों ने कमेंट किया होगा कि ये टीवी की दीपिका है. सो जब आपको ऐसे कॉमेंट्स मिलते हैं तो आप रचना, आई मीन see, she's pretty, yeah, so more than happy that people find resemblance between me and Deepika Padukone. But let Deepika Padukone be Deepika Padukone, let Rachna Padukone be Rachna Padukone. That's it. Deepika ji, you told me that you were secretly. Yes. How did you tell me secretly? Maybe secretly. उसकी भी कास्टिंग होगी प्रॉपर. अच्छा ठीक है, आखिरी में सतपाल जी आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए क्या कितने एक्साइटमेंट है आपको. मैं तो बहुत खुश हूँ और चिंगर गैंग यहाँ पे है. और नहीं वैसे जब चिंगर गैंग जब मैडम जी ने इसमें जब इन्वॉल्व हुई तो जो तड़का लगा था सब वो आप बदनाम की स्टाइल में बताओ. अगर बदनाम स्टाइल में अगर बोले एक ही बोलेगा कि जब से चिंगर गैंग इन हुई है मैडम सर अब हुआ है. ओके, फैंस को ये बोलना चाहेंगे जिन्हें मैं वेरी सेल्फ बुलाती हूँ दैट थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग रचना शिवानी ताई, एंड थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल लवली अवार्ड. या दिस रिस्पेक्ट दैट यू ऑल हैव गिवन मी थ्रू आउट माय टेलीविजन जर्नी और इवन इन मैडम सर, थैंक यू फॉर दैट. आई प्रॉमिस टू एंटरटेन यू गाइस एंड नॉट लेट यू ऑल डाउन. थैंक यू सो मच. आप तो बहुत खुश होंगे हसीना मलिक और युक्ति कपूर कि आपको अवार्ड मिला. आई एम श्योर बहुत प्राउड फील कर रहे हो. बहुत श्योर. थैंक यू सो मच गाइस थैंक्स टू मीडिया टीम आल्सो तो पहले बाइट होती है बहुत सारी बाइट्स हो गई. आई एम थैंक यू फॉर दैट. अब जाते जाते आप प्यार से मुझे कह रहे हैं बाइट मुझे देनी है, तो वाकई मैं ये कहूँगा कि इस रेडियो अड्डा के पहले अवार्ड फंक्शन में आज मुझे बहुत ही खुशी हुई. उसके 2 कारण हैं. पहले तो जो आज की ये जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है, आर जे दिलीप हैं और रोहतास गर्ग साहब, रोहतास साहब की रेखा जी हैं, रेखा गौर, इन्होंने बहुत ही उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को आयोजित किया है. इस कार्यक्रम में उन लोगों को नवाजा गया, उन लोगों को इज्जत बख्शी गई जो डिज़र्व करते हैं. एंड आई वेरी स्ट्रांगली फील कि आज ये पहला अवार्ड है नींव डाली है, बहुत ही पुख्ता ढंग से डाली है. और विद माई एक्सपीरियंस आई कैन से आज उन्होंने उनको नवाजने के बाद जो मुझे भी नवाजा है
वो एक वाकई मेरे लिए गर्व की बात है। मुझे उन्होंने एम्बेसडर ऑफ कल्चर एंड हेरिटेज फॉर टेलीविजन फॉर मीडिया अवार्ड दिया और सराहा, उसके लिए मैं तहे दिल से इन सबका शुक्रगुजार हूँ। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि आज की जनरेशन को अवार्ड्स जिंदगी में मिलते हैं और अवार्ड्स मिलते रहेंगे, लेकिन अवार्ड्स मिलने के बाद ये समझ के चलिएगा कि आपके कंधे पर और जिम्मेदारी आ गई है। मेरे साथ मेरी कंपनी क्रिएटिव आई लिमिटेड की जो मीडिया की टेलीविजन और फिल्म की हेड हैं, खुद साहित्यकार हैं, खुद काबिलियत हैं संध्या रियाज, और साथ में मेरे जावेद हैं जो मेरे बिजनेस में एसोसिएट हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आप लोग भी कुछ दो शब्द अच्छी तरह से कहना चाहें दैट बी ग्रेट। एक्चुअली नहीं, सबसे अच्छी बात तो ये है कि रेडियो रेडियो जो हमारे आज से नहीं सालों साल से शायद जनता को सबसे पहले अगर किसी ने एंटरटेन किया होगा तो वो रेडियो, हम रेडियो से जुड़ी हुआ, और मुझे खुशी है कि मैं खुद रेडियो से जुड़ी हुई हूँ। तो ये पहला अवार्ड जो इन्होंने स्टार्ट किया है रेडियो अड्डा, पहला है बट बहुत व्यवस्थित, बहुत अच्छी तरह से, और जिस तरह की जेंट्री यहाँ आई है उससे पता चल रहा है कि ये सफल होने वाला है। जावेद कुछ आप कहना चाहेंगे? चलिए, तो एनीवेज हम अपनी तरफ से कह सकते हैं ऑल द बेस्ट टू रेडियो अड्डा फॉर द फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच। सर रेडियो था अवार्ड वो बहुत अमेजिंग था यार, बहुत मज़ा आया यहाँ पे, और काफ़ी सारे मेरे फेवरेट टीवी एक्टर्स को मैं देख पाया और मिल पाया उनसे, पहली बार कुछ से मुलाकात हुई, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा ओवरऑल। सो आई थिंक मैं लापतागंज देखता था और अभी भाभी जी घर पर है देखता था, तो उसके जितने भी आर्टिस्ट थे यहाँ पे सभी मेरे को मिल गए एक ही रूप के नीचे, तो काफ़ी अच्छा लगा। इन दिनों क्या हो रहा है? इन दिनों तो देखिए अभी जैसा आपको पता है कि दो शोज़ की बात चल रही थी वो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, और वेब सीरीज़ जो है वो लाइंड अप है इश्क के हूँ, तो वो आपको देखने को मिल जाएगी आई थिंक इस ईयर तो हो ही जाएगी वो वाली, बिकॉज उसका डेट जो है उसका फ्लक्चुएशन चल रहा है काफ़ी टाइम से। किस तरह की वेब सीरीज है ये फैमिली ड्रामा है, इसके अंदर एक लड़का है जो बहुत काला है, बहुत मतलब बहुत काला, और उसके घर में सब काले पैदा होते हैं लड़के वालों के साइड से, तो उसकी बहन के रिश्ते टूट जाते हैं क्योंकि वो बहुत काला है और बहन वहन सब गोरे, तो एक फैमिली कॉमेडी ड्रामा है जो बहुत आपको चिल पिल वाइब देता है। यार देखिए इट्स फ्रीडम ऑफ यू नो एक्सप्रेसिंग एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच इन अ वे, एंड आई पर्सनली फील कि गलत नहीं है किसी को बताना है कैसे, क्योंकि इसकी एक सर्टेन ऑडियंस है, दे आर केटरिंग टू सर्टेन ऑडियंस एंड पीपल आर वॉचिंग दैट, सो कहीं ना कहीं लोगों को मज़ा आता है, सो एज लॉन्ग इट्स नॉट इम्पैक्टिंग चिल्ड्रंस इन बैड वे इट्स कम्प्लीटली फाइन आई गेस। आना चाहिए कई चीज़ों के लिए, बट सेंसर में भी और सर्टिफिकेट्स आ जाएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लाइक दे गिव यू स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर दे देते हैं दैट इज़ फाइन टू वॉच, अब आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, नहीं देखना तो आप मत देखिए। बट आप उसको कभी ब्लॉक नहीं कर सकते ना, अभी ये कॉन्टेंट है आप इस पर सेंसर लगा देंगे, बहुत सारे ऐसे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जो इलीगल होते हैं, लोग बच्चों को देखना वो वहाँ जाके देखेंगे, तो इम्पोजिंग सेंसरशिप ऑन दिस कैन बी अ सब्जेक्टिव टॉपिक, बट आई गेस जैसा है ठीक है लगा देते हैं तो या बेटर फॉर अस। अवार्ड काफ़ी हो रहे हैं हर सेकंड डे हर गली में अवार्ड की मान्यता यार। देखिए अवार्ड का क्या है ना कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, जैसे कुछ लोगों के लिए अवार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि यार एक अवार्ड मिल रहा है फाइनली आज मैं कर दिखाया समथिंग लाइक दैट, एंड कुछ के लिए एक जब नॉर्मल सी चीज़ होती है, जैसे आप लियोनार्डो को देखेंगे अगर उन्होंने जब ऑस्कर लिया था तो ऑस्कर लेने के जस्ट बाद में वो ऑस्कर पड़ा हुआ था साइट के अंदर और ही वॉज जस्ट स्क्रॉलिंग इज फोन, तो डिपेंड करता है किसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और कुछ लोगों को अगर पसंद है कि यार हमें बहुत अवार्ड मिलने चाहिए तो बेटर फॉर देम। आपका ड्रीम क्या है, कौन सा अवार्ड पाना है, कैसे लगता है? यार मेरा एज एन एक्टर तो ऑस्कर ही है, एंड अभी तक इंडिया में आया नहीं है, हनी सिंह ने भी कहा था दुआ करो मैं ऑस्कर ले आऊँगा, तो या तो वो ले आएंगे या कोशिश करूँगा मैं अगर एक दिन लेके आ पाया, सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट डे। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू एंटायर जूरी फॉर गिविंग अस द रिकग्निशन एज अ टैलेंट एंड गिविंग अवे द अवार्ड, थैंक यू सो मच। तो इन दिनों काफ़ी अवार्ड हो रहे हैं, अवार्ड की मायका रही है आपके लिए कितनी मायने? मुझे लगता है अवार्ड से ज़्यादा रिवॉर्ड ज़्यादा मैटर करते हैं, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अवार्ड्स
एक आपको अगर जब आपके हाथ में जब एक अवार्ड आता है आप में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि व्हाट्स नेक्स्ट, इसके आगे मैं क्या करूँगा, क्या मैं मेरे दर्शकों के विल आई बी एबल टू लिव अप टू देयर एक्सपेक्टेशन और विल आई बी लिव अप टू माई ओन एक्सपेक्टेशन, क्योंकि मैंने अगर इतना बड़ा एक हिट शो दिया है, एक आर्मी शो किया, इसके बाद लोगों की मतलब आपके लिए एक्सपेक्टेशन ऐसी बढ़ जाती है कि अभी ये नेक्स्ट क्या करेगा, इसकी नेक्स्ट क्या शो हो सकते हैं, क्या पकड़ेगा ये शो, किस तरीके के शोज ये करेगा, तो वो उसकी परिभाषा आगे वैसे बढ़ती है। मेरा ऐसा मानना कि अवार्ड्स ऑफकोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लाइफ में, और उसी के साथ साथ आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो दिव्या गल्ला का पार्ट आप हो सकता है फैजी या फिर आदित्य, पता नहीं मुझे अभी तक तो कुछ नहीं पता, अभी तो दिल दिया गल्ला में तो हमारी कावेरी प्रेमी है उसमें, एंड वी आर विशिंग ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि 12 तारीख से उसकी सीरियल चालू हो रही है और हम लोग भी जितना प्रमोट हो सके हमारे दोस्त को हम लोग प्रमोट करते रहते हैं, क्योंकि हम सबकी वो लाडली है, हम सबकी वो प्यारी है, एंड ऑफकोर्स एंड येस आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक्स टू द एंटायर टीम ऑफ सनशाइन प्रोडक्शन फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी फॉर जिद्दतुल मानिना, मेरे सारे को स्टार्स शालिन मल्होत्रा, सिंपल कॉल जिसने कोयल का रोल किया था जो कोईजी रोल हमारा इतना फेमस हो गया था, कुणाल कपूर, दिलजोत दिलजोत छाबरा, कावेरी प्रियम, हम सब ने बहुत मेहनत की इस सीरियल को मतलब इस तरीके से हमने लोगों के सामने पेश किया है कि आज भी हमारे लिए इतने सारे फैंस हमारे डीएम करते रहते कि इसका सीजन टू कब आएगा, ये बहुत मैटर करता है हमारे लिए। दिलीप को मैं पहले भी जानता हूँ, मैंने और उसने पिछले एक अवार्ड फंक्शन में हम एक साथ में थे, तभी हम दोनों को अवार्ड्स मिले थे उसके लिए, अचीवर्स अवार्ड्स थे वो, एंड ऑफकोर्स ही आर ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड गाय एंड आई रियली फील ऑल द वेरी बेस्ट टू हिम फॉर हिज फ्यूचर करियर एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स दैट ही विल बी डूइंग।